नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को जड़ी बूटियों की जानकारी देता रहता हूँ साथ ही आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करता रहता हूँ दोस्तों आज का हमारा जो मुद्दा है वो मित्रों पक्षी के ऊपर है दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत से पक्षियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है लुप्त होती जा रही है जो कि एक चिंता का विषय है मित्रों पक्षी जो है पर्यावरण में बहुत ही ज़्यादा योगदान निभाते हैं और मित्रों जिसको नकारा नहीं जा सकता और हमें पक्षियों की प्रति जागरूक होना चाहिए और हमें इनकी प्रजातियों को बचाना चाहिए दोस्तों बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि लुप्त होती जा रही हैं जैसे कि उल्लू मोर तोता मैना बुलबुल कौवा खंजन पक्षी बत्तख टिटेरी, इनकी संख्या दोस्तों दिन ब दिन कम होती जा रही है जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है दोस्तों एक समय ऐसा था कि चारों तरफ हमें पक्षी देखने को मिला करते थे और इनकी दोस्तों मधुर आवास से पूरा का पूरा वातावरण पर्यावरण मधोस हो उठता था परंतु मित्रों अब इस आधुनिकतावाद में अब सभी लोग जो है स्वार्थी होते जा रहे हैं किसी को भी पशु पक्षियों की कोई चिंता नहीं है दोस्तों उन्हें तो अपने घर बनाने से ही टाइम नहीं मिलता तो वो अपना पक्षियों के बारे में क्या सोचेंगे मित्रों दिन ब दिन जंगल कटते जा रहे हैं दिन व दिन जो पहाड़ी इलाके हैं या अन्य टीले वाले जंगली क्षेत्र हैं उनको धड़ल्ले के साथ काटा जा रहा है और आसियाना बनाए जा रहे हैं लोगों के परंतु पक्षियों का आशियाना छीना जा रहा है यकीन नहीं होता कि मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है कुदरत के सुंदर उपहार को कैसे वो नष्ट करता जा रहा है बड़ा ही चिंता का विषय है दोस्तों पक्षी हमसे कुछ नहीं मांगते हैं दोस्तों कम से कम हम उन्हें तंग करना तो बंद कर दें बहुत ही चिंता और बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख का विषय है मित्रों कि हम लोग जो है पक्षियों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं कानून ने एक्ट भी बनाए हैं और मित्रों फिर भी इन पर जो है कोई भी ध्यान नहीं देता चलता है तो चलने दो जैसा चल रहा है चलने दो क्योंकि भैया उनका क्या जाता है पक्षी है उसे बोलना थोड़ा आता है उसे अपना दर्द करना थोड़ा आता है सब अधिकार तो इंसानों के पास हैं इंसान तो पता नहीं यहाँ किन किन बातों को लेकर के झगड़ते रहते हैं जो पक्षी आपस में झगड़ा भी नहीं करते इतना ज़्यादा उन्हीं के ही आसियाने छीने जा रहे हैं मनुष्य अपना आसियाना बनाने के लिए तो उनके घरों को उजाड़ता है क्या ये सही है क्या तो दोस्तों हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा तभी हम जो पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं तो मित्रों तभी कुछ हो सकता है नहीं तो नहीं कुछ हो सकता मित्रों आप यकीन नहीं मानोगे भारत में पक्षियों की ऐसी ऐसी प्रजातियां थीं जो कि विश्व में कहीं नहीं पाई जाती थी किंतु हमारी दोस्तों आलस के कारण हमारे इन अंध कानूनों के कारण इन पक्षियों की आज दुर्गति दिन ब दिन होती जा रही है दिन ब दिन प्रदूषण फैलता जा रहा है चारों तरफ पक्षियों को खाने के लाले पड़े हैं पक्षियों को कुछ ढंग का मिलता ही नहीं है तो इस मारे अब उन्होंने शहर को भी छोड़ना चालू कर दिया है और जो यहाँ रह रहे हैं वो भी दोस्तों प्रदूषण से और गंदगी के ढेर पड़े गंदगी से फैलने वाले वो भी मरते जा रहे हैं जो कि दोस्तों बहुत ही चिंता का विषय है परंतु इसमें किसी को क्या है भैया पक्षी है मर रहा तो मरने दो किसी को क्या करना है मित्रों सीधी सी बात है कि मनुष्य बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है मनुष्य को ध्यान देना होगा इतने सुंदर सुंदर भारत में पक्षी हैं मित्रों कि मैं आपसे क्या बताऊं और भारत में ऐसी कई प्रजातियां हैं जो कि लुप्त हो गई हैं तो हमें बचाना चाहिए पक्षियों की प्रजातियों को जो बची हुई हैं जो लुप्त हो गई हैं तो उनका क्या कर सकते हैं तो दोस्तों अब भी समझने का वक्त है कि कुछ लोग समझ जाएं और कुछ लोग तो पक्षियों की तस्करी भी करते हैं तो दोस्तों उनसे भी अनुरोध है कि वो लोग भी पक्षियों की तस्करी ना करें और हाँ जो लोग पिंजरे में बंद करके पक्षी के साथ दिखावा करते हैं प्रेम का तो कृपा करके मित्रों ऐसा ना करें उन्हें पिंजरे में ना रखें ठीक है अगर आप पिंजरे में रखते भी हैं तो थोड़ा दोस्तों पिंजड़ा पिंजरा जो है बड़ा रखें क्योंकि दोस्तों अगर आपको असली आनंद लेना है ना तो पक्षी को जो है पिंजरे से एक बार मुक्त करके देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी यार यदि यदि यार आपको कोई मतलब पिंजरे में बंद करके रखे ऐसे तो कितना बुरा लगेगा ऐसे दोस्तों पक्षियों को भी आज़ादी प्रिय है तो हमें पक्षियों के साथ हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए और उन सभी से मेरी विनती है कि हमें पक्षियों के प्रति जो है हर पल जागरूक रहना चाहिए तभी हम पक्षियों की प्रजातियों को बचा सकते हैं जो कि बची हुई हैं दोस्तों एक टाइम पर मोर बहुत ज़्यादा था उल्लू बहुत ज़्यादा थे तोते बहुत ज़्यादा था गौरैया बहुत ज़्यादा थी किंतु अब ये पक्षी लुप्त होते जा रही हैं ऐसी ही कितने पक्षी हैं जिनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है लेकिन प्रशासन और लोग अपनी आँखों पर दोस्तों पट्टी बांध के रखे हुए हैं जिसको कुछ कुछ मतलब नहीं है इस भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान विकासवाद में इतना उलझा हुआ है कि दोस्तों उसने पक्षियों का ही गला घोटना चालू कर दिया है दोस्तों ये बात कड़वी है परंतु सत्य है दोस्तों विकास करिए विकास करने के लिए किसने मना करा है विकास करिए किंतु हमें पक्षियों का भी ध्यान ध्यान देना है अरे बेचारे हमसे कुछ नहीं मांगते बोल नहीं सकते तो कम से कम हम इनकी रक्षा तो कर सकते हैं इनको संरक्षण तो दे सकते हैं जो पक्षी बचे हुए हैं उनको बचा तो सकते हैं तो दोस्तों हमें पक्षियों को बचाना हम सभी को मिल के और जहाँ कहीं भी इन पक्षियों के घोंसले हों हमें इनके घोंसलों को नहीं तोड़ना है ना ही हमें इनके घोंसलों को इनके आसियानों को फेंकना है निकाल करके अपने घरों से या पेड़ों से दोस्तों हमें क्या करना है कि इनकी और बल्कि हमें रक्षा करना है पानी टांग देना पक्षियों के आसपास अनाज डालना है जैसे आजकल लोग डाल देते हैं ठीक है तो दोस्तों ऐसा है कि अनाज लिमिट में डालिए ऐसे नहीं कि फेंक दीजिए बहुत सारा डाल दिया बस पक्षियों ने कुछ चुगा बाकी पड़ा रह गया इस तरह अन्न की बर्बादी होती है ठीक है तो इस पक्षियों को आप देते रहिए वहाँ खड़े रहिए डालते जाइए डाल दीजिए कोई नहीं दोबारा दे दीजिए पक्षियों को कोई दिक्कत नहीं है परंतु अन्न का भी इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए ठीक है और मित्रों हम सभी से मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जागरूक हों पक्षियों को बचाने के लिए सभी को जागरूक करें और अपनी जिम्मेवारियों को समझें तथा अपने आसपास दोस्तों पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए रखें खाने का इंतज़ाम करें अनाजों का दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए कृपा करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें धन्यवाद